गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आप सबों के बीच आई हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है अनवांटेड हेयर। जो हेयर आपके फेस पे अनवांटेड है, मींस जिनकी आवश्यकता, जो ये साइड्स में बाल हो जाते हैं, किन्हीं किन्हीं को ये इस एरिया में ना बाल बहुत उग जाएंगे, किन्हीं को यहाँ पे वो अनवांटेड हेयर आ जाते हैं, तो ये जो हेयर है इनसे बचने का क्या उपाय है, आज मैं इसी टॉपिक पे आप सबों को कुछ बताना चाहती हूँ। तो हमारा आज का टॉपिक बहुत यूज़फुल है, बहुत बेनिफिशियल है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आएगा, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। आज के हमारे सेशन में मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको आपकी फेस जो है ना, आपके कितने भी क्लीन हो, अच्छे हो, लेकिन अगर यहाँ अनवांटेड हेयर है तो वो क्या है, उससे स्किन जो है ना वो थोड़ी ब्लैक लगेगी और वो प्रेजेंटेबल नहीं लगेगा। तो इसके लिए आप तरह तरह के उपाय करते हो, बहुत सारे चीज़ आप लोगों से सुनकर फिर उन्हें फॉलो करने की कोशिश करते हो। मैं आज आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप ये सोचोगे कि वो हेयर एकदम आना ही बंद हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो बस इस पैक को यूज़ करने के बाद कि आपकी स्किन जो है ना, फेशियल स्किन, वो इतनी प्रेजेंटेबल हो जाएगी कि बस आपको उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं जाएगा कि आपको ये हेयर को रिमूव करना है या इसका कोई उपाय और कुछ सोचना है। पर ये अगर मैं कहूँ कि 4 दिन में या 7 दिन में या 10 दिन में ये हेयर चले जाएंगे, तो ये मैं क्लियर बोलना चाहूँगी कि ये पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ इससे प्रेजेंटेबल लगने लगोगे। तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि ये जो है जेनेटिक भी होता है। जैसे अगर आपके फैमिली में किसी को है तो ये आपको भी ये प्रॉब्लम हो जाएगी अनवांटेड हेयर वाली। या फिर आपका अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल सही नहीं चल रहा है और मेनोपॉज का टाइम है, या इसी टाइप का पीसीओडी, पीसीओएस, इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये हेयर वाला प्रॉब्लम भी, अनवांटेड हेयर वाला प्रॉब्लम भी आपके स्किन में पनपने लगता है। तो इससे बचने का उपाय मैं आपको बताती हूँ। आप ध्यान से नोट करो और मुझे विश्वास है कि अगर आप 1 मंथ इसे रेगुलरली रिलीजियसली फॉलो करोगे तो आप ज़रूर मुझसे ये कहोगे कि नहीं, ये आपके स्किन में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दिखाया है। ठीक है, तो आप नोट कर लो, मैं आपको बताती हूँ। सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है मुलेठी पाउडर, जो आपके अनवांटेड हेयर को रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है, मतलब वापस नहीं आएगा उससे, और वो धीरे धीरे कम भी होने लगेगा अगर आप उसका रेगुलर यूज़ करते रहोगे। तो आप प्लीज़ और कुछ अपने फेस पे मत यूज़ करना। वैक्स अच्छा है, वो आप यूज़ कर सकते हो, पर फिर ओपन पोर्स का भी प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मेरी सलाह ये है कि आप अगर ये पैक यूज़ करते रहोगे रेगुलर, तो आपकी स्किन बबहुत बहुत प्रेजेंटेबल रहेगी। अगर आप 4 चम्मच मुलेठी पाउडर ले रहे हो, फाइन मुलेठी पाउडर, ठीक है, और 4 चम्मच ही आप उड़द दाल के ले लो। उड़द दाल को अच्छे से पोंछ लो, क्योंकि उसमें बहुत वाइट पाउडर होता है, तो उसे अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ के, उसे धूप में सुखा के, पीस के उसे रेडी करो। तो जब वो पाउडर 4 स्पून आपका हो तो उतना ही लेना आपको, मतलब 4 स्पून मुलेठी पाउडर, 4 स्पून उड़द दाल, 4 स्पून आपको बादाम आते हैं ना बड़े वाले, आमंड जिसे हम बोलते हैं, वो वाले छोटे वाले बादाम नहीं लेना, बड़े वाले बादाम का पाउडर बनाकर 4 स्पून वो बादाम का पाउडर, और 4 स्पून आप बेसन ले लो, और 4 स्पून ही आप मुल्तानी मिट्टी ले लो, फुलर्स अर्थ, है ना। आप इन सब को मिक्स करो, इसमें 1 चम्मच आप हल्दी पाउडर डाल लो, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा आप दालचीनी डाल लेना, और उस मतलब थोड़ा सा मीन्स 1/2 स्पून ओनली, ठीक है, और उसके बाद आप इस पाउडर को अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में रखकर आप इसे फ्रिज में 1 से 1.5 महीने 2 महीने भी स्टोर करके रख सकते हो, क्योंकि इसमें अनाज है, अगर आप इसे बाहर रखोगे तो इसमें कीड़े पनप सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे फ्रिज में रखो और इसे हर अल्टरनेट डे करके यूज़ करो। जैसे आपने फर्स्ट डे यूज़ किया,
आप एक चम्मच अपने फेस के अकॉर्डिंग आप देख लो, आधा चम्मच या एक चम्मच आपने लिया, दही में हनी मिक्स करके और दो से चार बूंदें आप लेमन की डाल लेना, लेमन स्क्वीज करके, और उसको उसे आप अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लो, एक लेयर, मोटा लेयर, और उसके बाद उसे सूखने दो। सूखने के बाद क्या करना है कि हाथ को गीले करके और सिंपली फिंगर से यूं रब करना है, और कुछ नहीं कि बहुत खिंचाव देना है, उल्टे डायरेक्शन में वो करना है। उससे आपकी स्किन जो है, जो इतनी डेलिकेट स्किन होती है ना, उस वो लूज स्किन वाले प्रॉब्लम आ जाएंगे। इसीलिए आप सिंपली बस रोटेट करना है, गीले हाथों से मसाज करना है, उससे आपकी स्किन में जो ये पाउडर्स आपने मिक्स किया है, इनके इफ़ेक्ट आपके स्किन के अंदर जाएंगे और आपके स्किन जो है ना बहुत प्रेजेंटेबल होने लगेगा। तो आपको क्या करना है, हर अल्टरनेट डे से यूज़ करना है। उस बीच में जैसे एक दिन आप ये पैक लगा रहे हो, नेक्स्ट डे आप सिर्फ दही, शहद और नींबू का रस मिक्स करके आधा घंटा उसे लगा रहने दो और फिर वॉश कर लो, नेक्स्ट डे आप यही पैक लगाओ। इस तरह से आप पूरे मंथ यूज़ करो और आप अपने फेस पे आपके क्या चेंज आया है आप उसे शेयर करना। मुझे उम्मीद है कि आपके जो ये अनवांटेड हेयर के प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बहुत क्योर हो जाएंगे, आप इनसे छुटकारा आपको मिलेगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद भी आएगा। तो प्लीज़ आप अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करना, इसे लगाने के बाद आपने क्या फ़ील किया, कैसा इफ़ेक्ट रहा, आप मुझसे ज़रूर शेयर करना। और यदि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर है 6202638871। तो आप बनाओ अपना पैक, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे भी ले सकते हो, मैं कस्टमाइज्ड वे में आपके स्किन के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बनाती भी हूँ, तो मैं आपको ये प्रोवाइड भी कर सकती हूँ। तो आप इसे यूज़ करो और अपने फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर करो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगेगा, तो इसे देखें, इसे यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।